16 साल की उम्र में कश्मीर के इरफान रमजान शेख ने जो साहस दिखाया है वो अद्भुत है। इरफान ने जम्मू एंड कश्मीर में अपने घर में घुसे आतंकियों को खदेड़ डाला और इसी बहादुरी के लिए भारतीय सरकार ने उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा है। 16 अक्टूबर 2017 में जब इरफान आम दिनों की तरह अपने घर में आराम कर रहे थे तब उन्होंने राइफल्स और ग्रेनेड से लैस टेररिस्ट को देखा। अपने परिवार को असुरक्षित पाकर उन्होंने बहादुरी से उन टेररिस्ट को फेस किया और घर में घुसने से रोका। इरफान के पिता मोहम्मद रमजान शेख एक पॉलिटिकल लीडर हैं। जब वो घर से बाहर आए आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। अपनी जान की परवाह किए बगैर इरफान उन टेररिस्ट पर कूद पड़े और अपने पिता पर हमला करने वाले आतंकी को बुरी तरह घायल कर दिया। जब उन आतंकियों ने भागने की कोशिश की तो इरफान ने उन्हें चेस किया जिससे वे अपने घायल साथी को वहीं छोड़कर भाग गए। शौर्य चक्र आमतौर पर आर्मी के जवानों को दिया जाता है पर इरफान की अद्भुत शौर्य कथा ने उन्हें यह चक्र दिलाया है। Now that's what you call अद्भुत।